गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फोर लूप के बारे में स्टडी किया था, वाइल लूप के बारे में स्टडी किया था। आज हम डू वाइल लूप और फोर लूप के बारे में स्टडी करेंगे। वाइल लूप में क्या था, उसके अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद हम स्टेटमेंट को डोडी के अंदर प्रिंट करते हैं। लेकिन डू वाइल लूप में जो कंडीशन है वो सबसे एंड में जाके लूप की चेक होती है, और उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन है उसकी स्टेटमेंट की वो पहले होती है। इन केस ऑफ डू वाइल सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड देन द कंडीशन इज चेक। पहले बॉडी की जो लूप है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है। और जबकि फाइल लूप में क्या था, पहले कंडीशन चेक की जाती है और बाद में उसकी लूप को। इसके मैं आपको एक फ्लो चार्ट में दिखाती हूँ। हमने लास्ट क्लास में भी किया था, बॉडी ऑफ लूप लगाई, टेस्ट कंडीशन लगाई, ट्रू किया तो उसमें वापस आ जाएगी और फॉल्स किया तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। ये देखिए फैक्टोरियल का एग्जाम्पल है बेटा। फैक्टोरियल आप सभी मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं। हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एंटर थ्रू ए कीबोर्ड। सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाए, वर्डमैन लिया, इंटीजर एन और आई इज्कल टू वन लिया, फैक्ट लिया, ये वेरिएबल लिया, एन आई तीन वेरिएबल ले लिया, आई इज्कल टू वन, मैं असाइनमेंट दे दी, असाइन वैल्यू कर दी फैक्ट। जब भी हम कोई कंडीशन लगाते हैं, लूप लगाते हैं, तो उसको असाइन वैल्यू देना जरूरी होता है। तो हमने आई को क्या असाइन कर दिया, वन, और एंटर वैल्यू करवा ली एन के अंदर, और फैक्टोरियल को किसके बराबर शो कर दिया, वन के। अब यहाँ पर फार्मूला लगाया फैक्टोरियल इज्कल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई, कि अब फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर है, वन, वन इज्कल टू वन मल्टीप्लाई आई में जो वैल्यू आएगी वो आपने इसने यहाँ डालने, फिर उसका आई प्लस प्लस में उसका इंक्रीमेंट होता जाएगा और आपकी लूप कहाँ तक चलेगी, एन तक, जो वैल्यू आपने एंटर नंबर करवाए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल को फिर प्रिंट करा देगा। अब इसके रिजल्ट में इसने क्या किया, एंटर नंबर फाइव, और फाइव का फैक्टोरियल 120 कैसे आया, ये देखो फाइव को फैक्टोरियल को जब हम निकालते थे हम उसको खोल के कैसे लिखते हैं, फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, तो इसका कितना आ जाएगा 120, इसलिए इसका आंसर क्या आया 120। इस टाइप से हम फैक्टोरियल निकालते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, आप कोई भी नंबर एंटर करो उसका फैक्टोरियल आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट लूप आती है बेटा हमारे पास फोर लूप। फोर लूप इज अनदर फॉर्म ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट विच इज़ द मोस्ट वर्सटाइल कन्वीनियंट एंड पॉपुलर ऑफ थ्री लूप स्ट्रक्चर अवेलेबल इन सी प्लस। ये तीनों लूप में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर लूप है और ईजी भी है इसको समझ पाना। डू वाइल लूप में थोड़ा सा हम ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या हमारी कंडीशन पहले चेक हो रही है या हमारी स्टेटमेंट को पहले प्रिंट कर रहा है। जबकि फोर लूप में तीनों जब हम एक ही सिक्वेंस पर राइट करते हैं तो इसको समझ पाना ईजी होता है। इट इज़ यूज इन दो सिचुएशन वेन द प्रोग्रामर नोज इन एडवांस अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स। यस, इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें पहले ही पता होता है कि हमने कितनी टाइम्स तक ये प्रोग्राम अपना रन करना है। ठीक है, इसके अंदर जो फोर लूप अलाउज द यूजर टू स्पेसिफाई थ्री थिंग्स अबाउट द लूप इन ए सिंगल लाइन, एन एक्सप्रेशन डेट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर द लूप, फोर लूप ए टेस्टिंग एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फोर लूप में जैसा कि आपको इस एग्जांपल में दिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको असाइनमेंट वैल्यू देनी है, फिर उसकी कंडीशन लगानी है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाना है। फ्लो चार्ट देखते हैं बेटा हम इसका। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन ये बाद में होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होएगी, ट्रू निकल गई तो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाएगा, फिर उसकी क्या करेगा, उसके एक्सप्रेशन को प्रिंट करेगा, और अगर फॉल्स निकल आई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जो भी आपने प्रोग्राम के अंदर लगाई होगी। अब मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाती हूँ। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर्स को हमने प्रोग्राम बनाना है, तो इंटीजर आईज ले लिया, सम इज इक्वल टू जीरो ले लिया, फोर के लूप लगाए, आई इज इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू टेन आई प्लस प्लस। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया। ये क्या है, बॉडी ऑफ लूप कंटेन्स ए सिंगल स्टेटमेंट, ये एक ही सिंगल स्टेटमेंट को कंटेन करेगा, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सम क्या आ जाएगा 55। कैसे आ जाएगा, इसको ये जब इसको रन करेगा आप इसकी वैल्यू को प्लस करके देखना, आपका वैल्यू 55 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा इस एग्जांपल के थ्रू आपको, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा क्लियर होगा। जैसे सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स ली, वर्डमैन लिया, इंटीजर आई लिया, एक नो वेरिएबल ले लिया, एक पी ले लिया, प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर डाली नो के अंदर, क्लियर स्क्रीन डाल दी, आई की लूप लगाई, वन से स्टार्ट होगी कब तक चलेगी 10 तक, और आई प्लस प्लस, पी इक्वल टू क्या ले लिया, नंबर मल्टीप्लाई आई, और इसको क्या प्रिंट करेगा जब तक ये रन ना हो जाए, गेट सी। इस कंडीशन आपकी क्या है, जो यहाँ तक इस कंडीशन को रन ना करते, एंटर द नंबर वैल्यू ऑफ नंबर 5 डाल दिया। अब 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये देखो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया ना, तो इसको इसी टाइप से नंबर कितना है हमारा, उसको यहाँ पे जो हम नंबर डालेंगे वो आएगा, मल्टीप्लाई आई कितना है हमारा 1, तो 1 आ गया पहले यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, फिर नेक्स्ट लाइन में उसका 1 प्लस का इंक्रीमेंट हो गया तो 2 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, इसलिए इस तरह से ये कब तक चलेगा
टेंथ तक। इस तरह से जो आपकी सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको चेक करेगा, फिर उसकी कंडीशन को चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास नेस्टेड फोर स्टेटमेंट, नेस्टिंग ऑफ लूप्स। व्हेन ए फोर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड विद इन अनदर फोर स्टेटमेंट, जब एक फोर स्टेटमेंट के अंदर दूसरी फोर स्टेटमेंट को लगाया जाता है इसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। कैसे, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। सीधा फोर की लूप लगाई, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, और उसके अंदर एक और लूप लगा दी, जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू थ्री, जे प्लस प्लस, स्टेटमेंट बन गई वन, स्टेटमेंट बन गई टू। इस टाइप से स्टेटमेंट्स ने इसको प्रिंट किया। ये इनर लूप होगी, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, और उसके बाद ये कौन सी होगी, आउटर लूप होगी। जो आई वाली लूप थी वो आउटर हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, इनर, क्योंकि ये वाली जो लूप है वो एक लूप के अंदर दूसरी लूप लगाएगी। इसके एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये कैसे होगा। जब हम एक लूप के अंदर दूसरी लूप को लगाते हैं तो इस तरह के डायग्राम्स को, पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अभी अगर आपके पास प्रोग्राम आए कि प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न ऑन स्क्रीन, इस पैटर्न को ऐसा आपकी आउटपुट बनी हुआ आ जाए, हमें ऐसा प्रोग्राम कैसे बनाना है। हेडर फाइल्स ली, वर्ड में लिया, एंड टीजर के अंदर तीन वेरिएबल ले लिए, आई जे और एन, आई के अंदर लूप लगानी है, जे के अंदर लूप लगानी है, एन को प्रिंट करना है हमने, तो क्लियर स्क्रीन ली, एंटर हाउ मैनी लाइन्स, कितनी लाइन्स डालनी है सबसे पहली बात तो, सी इसके अंदर वैल्यू डलवा दी, फिर फोर की लूप लगाई, आई इक्वल टू जीरो, ये हमेशा जीरो से स्टार्ट करनी है ऐसे प्रोग्राम के अंदर हमेशा वैल्यू, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और अब आपने कितनी इसमें वैल्यू डाली है वो वहाँ तक चलेगा। फिर ऐसे फोर की लूप के अंदर बेसिस स्टार्ट करके दूसरी लूप लगाई, जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू आई, आई तक चलेगा। अब आई की वैल्यू कहाँ पे, कहाँ से फाइंड आउट होगी, इस लूप में से होगी, फिर जे प्लस प्लस करोगे, फिर सी आउट करोगे आप स्टार, कि मैं सी आउट का मतलब होता है जो आपने प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराना है ना हमने यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टार, फिर सी आउट किया, स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब है कि एक बार जब इसने स्टार प्रिंट किया तो दूसरी बार उसी के साथ ना स्टार जाए, नेक्स्ट लाइन में जा करके दो स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन में जा करके इसने इसकी लूप के साथ ही इसको स्लैश एन लगा दिया। इस टाइप से आपकी जो गेट सी एच लगाया, फिर हमारा जो आउटपुट आएगा वो ये वाला तरीके से आएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। इट परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है परफॉर्म करती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। इट हैज़ ए रिच लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन, इसके अंदर रिच लाइब्रेरी का मतलब होता है कि बहुत सारे फंक्शंस जो है इसके अंदर होते हैं, ये इसकी मेमोरी के अंदर होते हैं, इसका जो लिंकर होता है उसके अंदर होते हैं। सी प्लस प्लस यूजेज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स विच मीन्स फ्लो ऑफ डाटा, इसके अंदर क्या है, डाटा के फ्लो डायग्राम बना करके हम अपने डाटा को ईजिली उसको समझ सकते हैं। द डाटा फ्लो मे बी फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, जो डाटा फ्लो के अंदर डाटा डाला जाता है वो इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड के थ्रू डाला जाता है, डिस्क फाइल, और फ्रॉम ए प्रोग्राम टू इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, डिस्क फाइल, प्रिंटर, स्ट्रीम्स कैन बी यूज। तो दो टाइप की स्ट्रीम्स होती है इसके अंदर, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। ये देखो बेटा, ऑल द इनपुट फंक्शंस इन सी प्लस प्लस आर परफॉर्म्ड यूजिंग इनपुट स्ट्रीम एंड ऑल द आउटपुट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग आउटपुट स्ट्रीम। जो भी आपने इनपुट करवाना है वो कौन सा जो फंक्शन है वो करेगा इसको कंसोल के अंदर इनपुट, और जो आउटपुट आप देख पा रहे हैं वो कौन फंक्शन कंट्रोल करेगा, आउटपुट फंक्शन कंट्रोल, यानी कि इसके अंदर दोनों के अंदर डिवाइड किए हुए हैं कि कौन सा फंक्शन कौन से अंदर चलेगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, द इनपुट आउटपुट फंक्शन विच डील विद कंसोल कीबोर्ड मोनिटर प्रिंटर आर कार्ड एज कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, stdio.h header file has to be included in the प्रोग्राम। ये कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कैन बी कैटराइज्ड एज, जो ये आपकी stdio.h है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो ये सारे क्या है फंक्शन, इन्हीं के अंदर ही वर्क करते हैं। अब आता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। टू परफॉर्म अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस गेट सी पुट सी कैन बी यूज टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले करेक्टर डाटा रिस्पेक्टिवली, और इसी टाइप से गेट फंक्शन लगाया, पुट फंक्शन लगाया। गेट फंक्शन किस लिए होता है, अपने आउटपुट को लेने के लिए, और पुट फंक्शन होता है किसी भी वैल्यू को एंटर कराने के लिए कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो इसे एक्सेप्ट करके और डिस्प्ले करके स्ट्रिंग डाटा को प्रिंट करवाया जाता है। गेट सी क्या होता है, गेट सी फंक्शन इज यूज टू रीड ए सिंगल करेक्टर फ्रॉम द डिवाइस लाइक कीबोर्ड और फ्रॉम द डिस्क। गेट सी में क्या होता है, सी का मतलब होता है करेक्टर, की एक सिंगल फंक्शन को उसमें से कीबोर्ड से लेना और उसकी जो फाइल है उसको डिस्क फाइल में से गेट करना। करेक्टर टाइप वेरिएबल, ये इसका सिंटेक्स है। जब हमने इसमें एंटर किया, एक्स इज इक्वल टू गेट सी, stdin के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेड फाइल है इसकी कीबोर्ड से, ठीक है। ये इसके कुछ फंक्शन होते हैं कि आप इसको कैसे फंक्शंस को लगा रहे हो और ये उसकी कौन से फंक्शंस को इनपुट में रख रहा है और कौन से फंक्शन को आउटपुट में रख रहा है, ये इसका फंक्शन होता है। ऐसे ही गेट सी का हो गया पुट सी, पुट सी में गेट में इसने एंटर कराया और इसमें इसको रिजल्ट में रूप में आपको आउटपुट के रूप में ये शो करेगा।
एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसमें शो करती हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल्स ली, वाइड में लगाया, कैर में एक वेरिएबल लिया आपने ग्रेड, सी आउट में एंटर ग्रेड किया, ग्रेड के अंदर क्या लगा दिया, गेट सी फंक्शन लगा दिया। अब जब इसमें एंटर ग्रेड करेंगे तो उसमें प्रिंट करने के लिए पुट सी कर दिया। तो सिंपल इतना करने के बाद जब आपने एंटर ग्रेड किया ए आया, और जब उसकी वैल्यू को जब आपसे पूछा तो आपने इसमें ए डाल दिया, एंटर किया, और अगर जब इसको प्रिंट कराएगा तो क्या लिखा आएगा, एंटर ग्रेड इज ए। इसी टाइप से गेट्स होता है, एक होता है गेट सी, एक होता है गेट्स। गेट्स फंक्शन इज यूज टू रीड ए स्ट्रिंग फ्रॉम द डिवाइस, एस का मतलब हो गया स्ट्रिंग, सी का मतलब क्या था, करेक्टर। ये पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के काम आता है, और ये पूरी स्ट्रिंग को स्क्रीन पे प्रिंट करने के काम आता है। इसी टाइप से आपका ये एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम। सबसे पहले हेडर फाइल से वॉइड में लिया, कैर में हमने 20 लिया, 20 किस लिए लिया कि हमारे 20 करेक्टर तक इसके अंदर हम टाइप कर सके, लिख सके। एंटर योर नेम, हमने पूरा नाम लिखा, गेट्स में नेम डाल दिया, फिर उसको प्रिंट करने के लिए पुट कर दिया। इस टाइप से एंटर योर नेम उसने पूछा तो हमने दिख दिया राखी सेल्वन, और जब उसको प्रिंट करेगा तो वो इस टाइप से प्रिंट होकर आएगा। ऐसे ही बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और नेक्स्ट हम इसका ब्रीफली डिस्कस ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू।